जो यहाँ आम आवाम का जो आवाज है, जो अभी तक का जो इतिहास रहा है मधुबनी लोकसभा का, वह कांग्रेस के पक्ष में मजबूती दिखाई देता है। लोगों का कल ऐतिहासिक रैली था महागठबंधन का, देश ने देखा जो बिहार जब जब अंगराई लेती है तब तक सत्ता में परिवर्तन हुआ, यह ऐतिहासिक सत्य है। ठीक है, और कल बिहार ने पूरे देश को यह संकेत दिया है जो बिहार ने परिवर्तन का संकल्प ले चुका है। इनकी निकम्मीपन है अशोक यादव की, जो लोग जो एक काम नहीं कर सके इस राज्य देश में मोदी जी के शासन रहते हुए मधुबनी लोकसभा या मधुबनी जिला को अशोक यादव ने एक भी काम नहीं दे सका, एक भी उनकी आप बता दीजिए उल्लेखनीय कोई काम, ये एक रेलगाड़ी चला दिया हो, एक नई स्टेशन बना दिया, या ओवरब्रिज बना दिया हो, या केंद्र सरकार की मान लीजिए दूर संचार कार्यालय यहाँ था, जिला मुख्यालय था, खत्म हो गया, कौन सा उन्होंने काम किया है सिवा दलाली के, और कोई काम नहीं किया है। धन उपार्जन कहां से होगा, बस सिर्फ उतना ही में लगे रहे। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रोफेसर सितलंबर झा जी, हम इनसे बात करेंगे। दर्शकों आपको बता दें कि 2 महीने के बाद मधुबनी या पूरे बिहार में लोकसभा का चुनाव होना है। मधुबनी और झंझारपुर लोकसभा की अगर बात करें तो अब तक किसी भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लोगों में काफ़ी असमंजस है, लोग ये जानना चाहते हैं कि यहाँ किस पार्टी को मधुबनी से और फिर झंझारपुर से किन्हें लड़ाया जाएगा। ऐसे में हम जानते हैं प्रोफेसर सितलंबर झा का क्या मानना है, क्या कहना है। सर स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर 2 महीने के बाद तो चुनाव होगा, लेकिन आपकी पार्टी, आप पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और आज भी आप एक्टिव नेता हैं, लीडर हैं, आप काम करते हैं पार्टी के लिए, अब तक यहाँ उम्मीदवार के नाम का अनाउंस नहीं हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए समय अभी कुछ है, न महागठबंधन में इंडिया गठबंधन में उम्मीदवार की घोषणा हुई है, न एनडीए में घोषणा हुई है बिहार में। हम लोगों का कल ऐतिहासिक रैली था महागठबंधन का, देश ने देखा जो बिहार जब जब अंगराई लेती है तब तक सत्ता में परिवर्तन हुआ, यह ऐतिहासिक सत्य है। ठीक है, और कल बिहार ने पूरे देश को यह संकेत दिया है जो बिहार ने परिवर्तन का संकल्प ले चुका है, तो अब मेरा अगला कार्यक्रम वही है जो आपस में जो महागठबंधन का समन्वय है, कौन कहाँ लड़ेंगे, किस दल का कितनी सीट बनती है, जीता उम्मीदवार कौन है, कहाँ से हम जीत सकते हैं, चूंकि सबों दलों का एक ही लक्ष्य है, वह है मोदी जी को हराना और इंडिया को जिताना। तो इसलिए मैं समझता हूँ बिहार के लिए बहुत लेट नहीं हुआ है, बल्कि इंडिया गठबंधन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, समन्वय स्थापित है, एनडीए में ही भीतर भीतर लड़ाई चल रही है। अच्छा, आप मधुबनी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आप मधुबनी जिला को, मधुबनी के लिए कौन सा उम्मीदवार सुटेबल होगा, कौन सा मतलब कि पार्टी आरजेडी को सीट मिले या कांग्रेस को मिले, इसके बारे में बताएं। देखिए ये हमारे शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेंगे, लेकिन तजर्बा तो आपका है ना, लेकिन जो यहाँ आम आवाम का जो आवाज है, जो अभी तक का जो इतिहास रहा है मधुबनी लोकसभा का, वह कांग्रेस के पक्ष में मजबूती दिखाई देता है। झंझारपुर निश्चित रूप से हमारे जो बिहार में नेतृत्व करते हैं आरजेडी का प्रभुत्व काफ़ी है, और यह ऐतिहासिक सत्य है जो मधुबनी लोकसभा सीट हमारे जो नेतृत्व हैं, शीर्ष नेतृत्व हैं इंडिया गठबंधन के, महागठबंधन के, उनको भी देखना चाहिए, जो यहाँ कांग्रेस को यदि वह सीट मिलती है मधुबनी, तो कांग्रेस निश्चित रूप से आपको विजय पताका फहराएगी और इंडिया गठबंधन को थोड़ी देर के लिए आपकी बात को शीर्ष बात मान लेती है, तो कहाँ से लाइएगा उम्मीदवार, कहाँ से लाएगा? डॉक्टर सगीर साहब ने कहा कि हम सियासत छोड़ दिए, आप छोड़ नहीं दिए, एक्टिव रहेंगे लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप नेता बताइए कौन सा उम्मीदवार लाइएगा आप? देखिए कांग्रेस में उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है, ठीक है, नेताओं की कोई कमी नहीं है, ग्रिप है उनकी निश्चित रूप से है, लेकिन हाँ हाँ लेकिन क्या, लेकिन डॉक्टर शकील अहमद जी
यहाँ से दो बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, ठीक है, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, उनकी अपनी लोकप्रियता है, उनकी अपनी प्रसिद्धता है, आम जनों के बीच में उनके प्रति विश्वास है, लोगों से कभी ठकने का काम उन्होंने नहीं किया, छलने का काम नहीं किया है, दुख सुख में लोगों के साथ खड़ा रहे, छवि अच्छा है, उनकी छवि अच्छी है, उनकी पारिवारिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इनकी व्यक्तिगत अपनी है, हर जगह से लगाव है इनकी अपनी, तो इनका और हम में अंतर है। लेकिन ये हमारे दल के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं, सीनियर जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो इसलिए पार्टी का जब निर्णय हो जाएगा, गठबंधन का निर्णय होगा, यह सीट मधुबनी कांग्रेस को मिलेगी, मिला है, तो नेतृत्व से हम लोग आग्रह करेंगे, यहाँ के कार्यकर्ताओं की भी भावना है, शकील अहमद चुनाव लड़े। तो मतलब आप चाह रहे हैं कि यहाँ से कांग्रेस को मिल जाए, ख्वाहिश आपकी या लोगों की भी ख्वाहिश ये है कि यहाँ से कांग्रेस को मिले? यदि यदि गठबंधन को मधुबनी लोकसभा सीट जीतना है, यदि जीतना है तो कांग्रेस को देना होगा, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। चूंकि आप देखिए ना, यहाँ से आरजेडी दो बार लड़ चुकी है, हाँ, सिद्दीकी साहब आ गए, हार के चल गए, हाँ हाँ, पिछले बार 19 में वीआईपी को गठबंधन ने दे दिया, हाँ हाँ, एक रिजल्ट क्या मिला, बिहार में सबसे ज्यादा वोट से भारतीय जनता पार्टी मधुबनी से जीत के चली गई, 4.5 लाख से अभव वोटों से। अशोक यादव से मुकाबला कर पाएगी कांग्रेस? आपको बता देते हैं, जो उनकी निकम्मीपन है अशोक यादव की, जो लोग जो एक काम नहीं कर सके, इस राज्य देश में मोदी जी के शासन रहते हुए मधुबनी लोकसभा या मधुबनी जिला को अशोक यादव ने एक भी काम नहीं दे सका, एक भी उनकी आप बता दीजिए उल्लेखनीय कोई काम, जी एक रेल रेलगाड़ी चला दिया हो, एक नई स्टेशन बना दिया, या ओवरब्रिज बना दिया हो, या केंद्र सरकार की मान लीजिए दूर संचार कार्यालय यहाँ था, जिला मुख्यालय था, खत्म हो गया, कौन सा उन्होंने काम किया है सिवा दलाली के, और कोई काम नहीं किया है, धन उपार्जन कहां से होगा, बस सिर्फ उतना ही में लगे रहे, और 5 साल बिता लिए, जनता उनको बेसब्री से इंतजार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी हम को से भी मांग करेंगे जो अशोक यादव जी को आप उम्मीदवार बना दीजिए, ताकि हमारी गठबंधन को जीत आसानी से हो जाए। सवाल करेंगे आपसे, भाजपा तो भाई दोनों ताली मार रही है कि हम मजबूत हैं और पूरे बिहार में हमारी सीट हो जाएगी, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, यदि इतना उनको गुरूर है तो मैं समझता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कहती है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी मैं हूँ, आज भी उनको आयात करना पड़ता है कैंडिडेट को, बिहार में भी पैसा दे करके जैसे तैसे लोभ लालच देकर खरीद करके अपने दल में मिलाते हैं, तब उम्मीदवार बनाते हैं। उम्मीदवार यदि उनको होता तो आप देखिए ना, दिल्ली में हमारी गठबंधन हुई, 7 सीट उनका था, बदल दिए, कितने संन्यास लेने के लिए तैयार हो गए, संन्यास की घोषणा कर दिए बीजेपी का, काफी आक्रोश है बीजेपी के अंदर, शहंशाह जो तानाशाही अपनाए हुए हैं उसका जवाब बीजेपी के अंदर से भी और देश के जनता भी देने के लिए उनको इंतजार कर रहा। दर्शकों, बहुत बड़ी बात बताया है प्रोफेसर शीतलाम्बर झा ने, इनका कहना है अगर इंडिया गठबंधन और महागठबंधन को अगर मधुबनी झंझारपुर में कामयाब होना है, दोनों सीट को अपने हक में लेना है, तो ज़रूरी है कि मधुबनी से मधुबनी कांग्रेस को दिया जाए और झंझारपुर आरजेडी खुद को रखे, तभी जाकर कामयाबी मिलेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तो देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया।